एवं सूर्य भक्तवृंद, गत बार जब मैं आप लोगों की सेवा में था तो चतुर्थ अध्याय के आठवें श्लोक तक हमने चर्चा की थी, उस पर विचार हुआ था और हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे भगवान का अवतार, भगवान का आविर्भाव धर्म की स्थापना के लिए होता है। उसी संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा ये हुई थी कि धर्म जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, करता है। ये बात हमें, आपको, हम सब जो भगवान के भक्त हैं, साधक साधिकाएं हैं, हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेना चाहिए। हमारे हृदय में ये बद्धमूल हो जाना चाहिए कि जीवन की समस्याओं का स्थायी समाधान धर्म के आचरण के द्वारा ही संभव है। धर्म को छोड़कर, धर्म से विच्युत होकर या अधर्म से समझौता करके यदि हम जीवन की समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे तो तात्कालिक थोड़ा लाभ दिख जाए, अंत में उसका परिणाम दुख कर ही होगा। यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय होती है। और यतो कृष्णः ततो धर्मः, जहाँ कृष्ण या भगवान या इष्ट, जहाँ भगवान है वहीं धर्म रहता है और जहाँ धर्म है वहीं विजय होती है जीवन के सभी क्षेत्रों में। इसलिए इस बात को हमें निष्ठापूर्वक मन में धारण करना चाहिए कि धर्म के द्वारा ही हम अपने जीवन की समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकते हैं। तो हमने यही बात देखी, भगवान कहते हैं कि धर्म की संस्थापना करने के लिए और साधु पुरुषों की रक्षा, उनका परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं युग युग में आता हूँ। इस संबंध में भी हमने देखा था कि धर्म का सारा क्षेत्र भीतर है, धर्म का क्षेत्र मनुष्य का अंतःकरण है और उसी में धर्म और अधर्म का अभ्युदय होता है या हानि होती है। नौवें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को दिव्य जानता है, मेरा जो जन्म है वो साधारण नहीं है, मेरा कर्म साधारण नहीं है, इसको जो मनुष्य तत्व से जानता है, ऐसा व्यक्ति देह त्यागने के पश्चात क्या होता है, पुनः जन्म न एति, पुनः जन्म नहीं लेता, मुझे प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। साधना की दृष्टि से हमें इस पर विचार करना है। भगवान कहते हैं कि देखो, यदि तुम इस बात को जान जाओ कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य हैं, तो इसको जानने से तुम देह त्यागने के बाद मुक्त हो जाओगे। तो ये विचार या ये कथन कुछ गूढ़ सा लगता है। भगवान के जन्म कर्म को यदि हमने समझ लिया, जान लिया और दिव्य था, तो हम कैसे उससे मुक्त हो जाएंगे? कुछ मौलिक बातों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, हमें स्मरण रखना चाहिए और वो ये है कि हमारी इस देह के भीतर एक दिव्य तत्व है, उसी तत्व का नाम आत्मा है और अद्वैत वेदांत पर हम जब विचार करते हैं तो वही आत्मा परमात्मा या ब्रह्म है। भगवान का स्वभाव दिव्य है, हमारे स्वरूप या हमारी आत्मा का स्वभाव भी दिव्य है। तो यदि हम भगवान की दिव्यता को पहचान लें, भगवान की दिव्यता का अनुभव कर लें, तो तुरंत हमें अपनी दिव्यता का भी अनुभव हो जाएगा
अपनी दिव्यता का ज्ञान हो जाएगा, अपनी दिव्यता का पहचान हो की पहचान हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि दोनों का स्वभाव, परमात्मा भी दिव्य है और जीवात्मा भी दिव्य है, किंतु अज्ञान के कारण, वासनाओं के कारण, विभिन्न प्रकार की आसक्ति आदि के कारण हम अपने दिव्य स्वभाव को नहीं जानते और परमात्मा के दिव्य स्वभाव को भी नहीं जानते हैं। अपने दिव्य स्वभाव को न जानने के कारण, अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ये क्या बात है, आप कहते हैं कि पहले मैंने सूर्य को ये बात बताई है और अब तुमको बता रहा हूँ। तो भगवान, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ और आप अभी हैं, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने बताया? तो भगवान क्या कहते हैं, अरे अर्जुन देख, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद, मैं उसको सब जानता, न त्वं वेत्थ परंतप, तानि सर्वाणि अहम वेद, उस सबको मैं जानता, त्वं न वेत्थ, तू नहीं जानता है। तो देखिए, जीव का भी यही दिव्य स्वभाव है। हम इस देह को धारण करने के पूर्व भी अस्तित्व में थे, ये देह समाप्त हो जाएगी तो भी हमारा अस्तित्व रहेगा। जन्म के पूर्व हम थे, मृत्यु के पश्चात हम रहेंगे। जन्म मरण तो ये शरीर का है और क्योंकि हम उसमें आसक्त हैं, इसलिए जीवात्मा का या सूक्ष्म शरीर का, लिंग शरीर का जन्म मरण होता है और हमें ऐसा लगता है हम उसमें बंधे हुए हैं। तो भगवान की और स्वयं की दिव्यता को न जानने के कारण ऐसा होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि देख अर्जुन, तू इस बात को समझ ले कि मेरा जन्म दिव्य है और मेरा कर्म दिव्य है, तो तू मुक्त हो जाएगा। या कोई भी व्यक्ति अगर समझ ले कि भगवान का जन्म दिव्य है और कर्म दिव्य है, तो वो मुक्त हो जाएगा। हम एक स्वभाव के हैं। जैसे माताएं जब भोजन बनाती हैं, चावल बनाती हैं, भात बनाती हैं, तो एक दाने को दबा कर जान जाती हैं कि पका है या नहीं पका है। उसी प्रकार यदि हम उसका स्वभाव जान लें, भगवान की दिव्यता जान लें और तुरंत लगे कि अरे हमारे भीतर भी वही है, तो हम तुरंत पहचान लेंगे। तो भगवान की जन्म कैसे दिव्य हैं, हमारा आपका जन्म कैसे होता है, मनुष्य का जन्म या प्राणी मात्र का जन्म वासना जन्य है। हमारे मन में कोई न कोई वासना थी, मृत्यु के समय वह वासना मन में जागी, अवसर नहीं था, मृत्यु हो गई, इसलिए पुनः उस वासना या उन वासनाओं की पूर्ति के लिए हमको जन्म लेना पड़ा। फिर बहुत से कर्म हम ऐसे करते हैं, गत जन्मों में जो कर्म किए तो किए थे, इस जन्म में भी बहुत से ऐसे कर्म हम करते हैं कि उनका फल इसी जीवन में संभव नहीं। ये जीवन अधिक से अधिक 100 वर्ष, मनुष्य का जीवन 100 वर्ष है, इस 100 वर्ष में बहुत से पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों को भोगने का अवसर आया है। प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं, पूर्व जन्मों में हमने जो कर्म किया उन कर्मों का फल हम भोग रहे हैं, ये प्रारब्ध है। वर्तमान में हमने बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिन कर्मों का फल हमें भोगना है। कर्म बिना भोगे कभी समाप्त नहीं होते, या तो वो निष्काम हो, भगवत समर्पित हो, तब समाप्त होगा, या उसका भोग अवश्य करना पड़ेगा। तो इस जन्म में किए हुए कर्म क्रियमाण किए जा रहे हैं, उसका फल इस जन्म में संभव नहीं, तो फिर से हमको अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो मनुष्य का जन्म अपने कर्मों के कारण, कर्म से यह तात्पर्य है सकाम कर्म, और सरल शब्दों में कहें तो अपनी वासना के कारण, अपनी इच्छा के कारण जन्म होता है। भगवान का जन्म ऐसा नहीं है। हमारे जन्म में हम विवश हैं। आप विचार करके देखें, आप हम सब जो यहां उपस्थित हैं, हम कोई भी जन्म लेना चाहते थे, नई जन्म लेना चाहते थे, जन्म हो गया, बड़े हो गए हैं। पुराण तो ये कहते हैं, मातृगर्भ में जब तक थे तब तक प्रार्थना करते थे कि प्रभु अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, ऐसी कृपा करो, इस जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसूंगा। पर भूमि में आते ही
पृथ्वी में आते ही फिर से उस अज्ञान के कारण ढक जाते हैं और उसमें लग जाते हैं। तो हमारे जन्म का कारण वासना हुई। किंतु भगवान क्या कहते हैं, भगवान का जन्म कैसे होता है, इसी चौथे अध्याय के छठवें श्लोक में हम उसका उत्तर पाते हैं। नौवें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे दिव्य कर्म को जानो, छठवें अध्याय में उन्होंने उसकी प्रक्रिया बताई थी। अजो अपिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम आत्ममायया। हे अर्जुन सुन, अहम मैं अजह अव्ययात्मा सन अपि, अज हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता है, फिर अव्ययात्मा अविनाशी है, भगवान अविनाशी है, हमारी आत्मा भी अविनाशी है, तो हे अर्जुन मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरा कभी विनाश नहीं होता, ऐसा होते हुए भी, इतना होते हुए भी, और क्या विशेष लगत, भूतानाम ईश्वर सन अपि, संसार में जितने प्राणी हैं या जो कुछ भी संसार में निर्मित हुआ है विश्व ब्रह्मांड में, उन सब का मैं ईश्वर हूँ, मालिक हूँ, भूतानाम ईश्वर सन अपि, इन समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों का मालिक होने के बाद भी मैं जन्म लेता हूँ कैसे, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपने स्वभाव को अपने प्रकृति को वश में करके अपनी इच्छा से मैं आत्ममायया संभवामी, अपनी माया से अपनी इच्छा से ये समस्त प्रकृति को अपनी प्रकृति को वश में करके संभवामी प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ। हमारे जीवन में ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, हमारे जीवन में विवशता है, अपने कर्मों के कारण हम जन्म लिए हैं और उसी प्रारब्ध के चक्र में अपने कर्मों के कारण हमारी मृत्यु होगी। हमारा जन्म, हमारा कर्म, हमारी मृत्यु अदिव्य है, दिव्य नहीं है। अब भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, तो भगवान के जन्म लेने का कारण अपनी इच्छा से जब होते हैं तो क्या है, भगवान की क्यों इच्छा हुई। यदि हम उनकी लीलाओं का चिंतन करें, भगवान के विभिन्न अवतारों को देखें, तो एक बात हमें स्पष्ट प्रतीत होगी कि भगवान एक केवल एक प्रेरणा से जन्म लेते हैं और वो प्रेरणा है करुणा, कृपा करने के लिए। कृपा छोड़कर भगवान के जन्म लेने में कोई प्रेरणा नहीं है, उनको कोई विवश नहीं कर सकता है। संसार के दुखी जीवों के प्रति उनके हृदय में जब करुणा जागती है, संसार के दुखी लोगों को देखकर उनके हृदय में कृपा आती है कि अरे ये बेचारे कितना कष्ट पा रहे हैं, इनका कष्ट दूर करने के लिए मैं पृथ्वी में जाऊं, अवतार लूं और इन्हें रास्ता दिखाऊं। तो पहली बात तो हम साधक साधिकाओं को, भक्तों को ये दृढ़ धारणा बला लेनी चाहिए, दृढ़ धारणा कर लेनी चाहिए कि भगवान का जन्म किसी विवशता से नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सगुण ब्रह्म में या भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते हैं, वो कठिन रास्ता है। आप में से अगर ऐसे कोई हो जो अवतार में विश्वास नहीं करते हैं, तो अद्वैत वेदांत की दृष्टि से तो आप हम सभी अवतार हैं, वो भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते हैं, वे सभी ब्रह्म हैं। अगर अपने आप को आप अवतार समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अवतार समझते हो तो अवतार की शक्ति हमारे भीतर है क्या, अवतार की दिव्यता हमारे भीतर है क्या, यदि नहीं है तो सिर झुकाकर नतमस्तक होकर ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान करुणा से विगलित होकर आपका हमारा कल्याण करने के लिए, हमको मार दिखाने के लिए आते हैं, और जब आते हैं तो उनका जन्म दिव्य है, स्वेच्छा से भगवान आए हैं, भगवान को किसी ने विवश नहीं किया है। फिर भगवान कहते हैं कि मेरा कर्म भी दिव्य है, क्योंकि गीता की चर्चा हो रही है तो भगवान कृष्ण के जीवन की दिव्यता को कुछ देखें। भागवत में तो बहुत भगवान की लीलाएं हैं, दशम स्कंद पूरा भगवान की लीलाओं की उसमें चर्चा है, महाभारत सभी
कृष्ण संबंधी ग्रंथों में भगवान के दिव्य कर्मों की चर्चा है। आप कल्पना करके देखें, छोटे से बालक हैं, कृणावर्त एक राक्षस को कंस ने भेजा, वो राक्षस ने भगवान को उड़ा लिया गोकुल में कि समाप्त कर दें। भगवान ने अपना भार इतना बढ़ाया कि आखिर उसकी मृत्यु हो गई। छोटे से भगवान माँ ने लिटा दिया है, गर्मी के दिन है, शायद छाया नहीं है, तो छकड़े के नीचे लिटा दिया है। छकड़े में दूध दही मक्खन आदि की हंडियाँ भरी हुई हैं, कितना वजनी बड़ा छकड़ा। भगवान माँ को, माँ ने यशोदा ने वहाँ एक छोटा सा कोई बिस्तर लगाकर भगवान को सुला दिया है। तो भगवान की कैसी दिव्य लीला, माँ कुछ काम कर रही हैं, दूसरे ग्वाल बाल भी, दूसरी और सखियाँ उनकी काम में लगी हैं, भगवान रोते हैं, कोई सुनता नहीं है, उधर ध्यान नहीं जाता है। तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बाल कृष्ण, छोटे से भगवान अपने पैर की अपनी चोट से लात से उस पूरे चकड़े को उल्टा देते हैं, दूध दही की हंडियां गिर जाती हैं, फूट जाती हैं, लोग दौड़ के आते हैं, देखते हैं क्या हुआ। अगर ये कपोल कल्पना भी है, आप हम भक्त हैं, तो ये दिव्यता नहीं है क्या? भगवान की इन दिव्य लीलाओं का चिंतन करने से मनुष्य का मन शुद्ध होता है। कल्पना करके देखें कि कंस ने अपने मथुरा में सबको इनको आमंत्रण दिया है। भगवान तब अभी 9 वर्ष के होंगे, बड़े भाई बलराम के साथ, बलदाऊ के साथ बड़े उत्साह से गए। कंस ने जब निमंत्रण दिया तो पता लगा, नंद बाबा ने बताया कि अरे कंस ने बुलाया है, देखो वहाँ हमको उसके कर भी दे, उनकी प्रजा थे, कर भी देना है और किसी मेले या उत्सव का आयोजन हुआ है। तो भगवान ने बड़े उत्साह से अपने सब मित्रों को, ग्वाल वालों को, अरे चलो जाएंगे अपन मथुरा जाएंगे, वहाँ पर कंस मामा के यहाँ कोई उत्सव हो रहा है, अपन उत्सव देखेंगे। बलराम जी तो जहाँ कृष्ण जाए वहाँ, कि दाऊ आप भी चलिए, कहाँ चल, तो सब ग्वाल वालों को लेकर छकड़ों में दूध दही आदि सब भरकर भगवान क्रीड़ा करने, छोटे से बालक। और वहाँ तो कंस ने षड्यंत्र करके रखा था कि कैसे इसको मिटा दूँ। तो आप सभी जानते हैं वो बड़ी लंबी घटनाएं हैं, पर उसका जितना चिंतन किया जाए अच्छा है। कंस ने बड़े बड़े मल्ल पहलवान पाल रखे थे, ऐसे पहलवान जो सामान्य मनुष्य को एक चींटी की तरह मसल दें। चाणूर नाम का एक महामल्ल था, अत्यंत शक्तिशाली, उसके पहले कितने लोगों की उसकी उसने हत्या की होगी। तो अखाड़े में रंगमंच में खेल की व्यवस्था थी कि चलो तुम ग्वाले लोग तो बहुत कुश्ती लड़ते हो, यहाँ भी कुश्ती का कुछ चमत्कार दिखाओ, खेल दिखाओ। कंस ने बता रखा था उसको, और चमत्कार में उसने कृष्ण से कहा कि अच्छा तुम भी तो कुश्ती लड़ते हो। भगवान ने कहा हाँ हम कुश्ती लड़ते हैं, चलो अखाड़े में आ जाओ। सब लोग दंग रह गए, महिलाएं रोने लगी कि अरे कहाँ ये छोटा सा बच्चा, और इधर ऐसा पहाड़ जैसा शरीर वाला क्रूर ये चाणूर। तो भगवान ने बलदाऊ की ओर, अपने बड़े भाई की ओर देखा, हंसे। बड़े भाई ने कहा तू क्या कहता है, मैं इससे निपटू? अरे नहीं भैया, आप काहे को कष्ट करते हैं, आप देखिए ना। भगवान उतर गए अखाड़े में और खिलाते रहे, थक कर लस्त हो गया। तो उस अखाड़े में भगवान ने उसको उठा के ऐसा पटका कि वो निष्प्राण हो गया। तो ये दिव्यता नहीं, भगवान की कर्म की दिव्यता है। उसकी दिव्यता का और क्या अर्थ है ये हम देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार उनकी दिव्यताओं का चिंतन करने से हमारे हृदय में श्रद्धा जागेगी। श्रद्धा जागने से क्या होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा आएगी तो हमारे हृदय में ज्ञान का स्फुरण हो जाएगा। भगवान जा रहे हैं उस कंस के महल के रास्ते में, एक विशाल हाथी कुबलयपीड नाम का खड़ा है। पहले से कंस ने महावत को बता रखा है, खूनी हाथी उसका काम ही था मनुष्यों को मारना, दंड देने के लिए रखा गया था। उसको शराब पिला दी गई है, अफीम खिला दी गई है, नशे में मत्त है, विशाल दंत, बड़े बड़े उसके दांत हैं। भगवान जाते हैं, भगवान को सामने देखकर तुरंत वो महावत हाथी को भगवान के पीछे लगा देता है, भगवान पर छोड़ देता है। भगवान हंसते हुए उसके सूंड पकड़कर इतनी जोर से खींचते हैं,
कि हाथी धड़ाम से गिर सामने उसके दोनों पैरों के बलों गिर पड़ता है और भगवान हंसी हंसी में उसके दो विशाल दांतों को अपने हाथ से उखाड़ लेते हैं बड़े बड़े, और एक अपने कंधे में रख लेते हैं और एक बड़े भैया को दे देते हैं कि चलो भैया अच्छा खिलौना मिला है, यही शस्त्र लेके चले। और फिर कंस के दरबार में पहुंचते हैं। कंस ऊपर से आसन पर बैठा हुआ है। कंस ने तलवार निकाल ली कि मैं इसको समाप्त कर दूं। कंस कुछ सोचे तब तक भगवान उछल कर उसके सिंहासन पर चढ़ जाते हैं, उसको बाल पकड़ कर नीचे पटक देते हैं और भगवान स्वयं उसके ऊपर कूद पड़ते हैं और कंस की मृत्यु हो जाती है। इन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए अविश्वास नहीं करना चाहिए कि अविश्वास अंत में मनुष्य के विनाश का ही कारण होता है। संशयात्मा विनश्यति। मान लीजिए आप इन लीलाओं पर विश्वास नहीं करते तो किस बात पर आप विश्वास करते हैं? अपने आप पर विश्वास करते हैं? अपने आप की कितनी सीमा पर हम विश्वास करते हैं? किस शक्ति पर विश्वास करते हैं? अपने शरीर की शक्ति पर अगर विश्वास करें तो कितनी थोड़ी है शरीर की शक्ति। आप में से जो लोग मेरी उम्र के हैं, हमसे अधिक उम्र के भी लोग हैं, आप विचार करके देखिए, आज से 30-40 साल पहले जो शक्ति थी आज हमारे पास शक्ति है, तो अपनी शारीरिक शक्ति में हम कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। मानसिक शक्ति में कितना विश्वास करेंगे? क्षण क्षण में मन बदलता रहता है, थोड़ी सी कुछ घटना हुई तो हम भयभीत हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, कोई हमारा वश नहीं है, उसमें हम विश्वास नहीं कर सकते। समय पर ये मन साथ देता है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, प्रलोभन आते हैं, कुछ भयंकर परिस्थिति आती है, तो क्या हमारा मन इतना दृढ़ है, इतना प्रबल है कि उसके द्वारा हम उसको जीत सके? बहुत कम लोगों का है। यदि हम अपनी मानसिक शक्ति पर भी विश्वास करें तो टूटता दिखता है। बुद्धि की शक्ति कितनी है, कितना हम समझ सकते हैं? संसार की कोई लीला, भगवान की कोई लीला इस बुद्धि से नहीं समझी जा सकती है। ये अहंकार की प्रेरणा से होता है। जब भगवान की इन दिव्य लीलाओं को, भगवान के दिव्य कर्मों को हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं, जब हमको लगता है कि अरे ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, इसमें क्या रखा है, तो अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि अच्छा ये अगर कपोल कल्पित हो तो सत्य क्या है? शक्ति का कहीं ना कहीं तो प्रकाश है, मुझ में शक्ति का कितना प्रकाश है? अत्यंत क्षुद्र। तो भगवान की इन दिव्य लीलाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार करेंगे तो हमारे मन में शक्ति जाएगी कि हे प्रभु, तुमने जब इतना बड़ा काम किया, अपनी उंगली से गोवर्धन पहाड़ को उखाड़कर तुमने सब ग्वाल वालों की व्रज की रक्षा की, तो क्या तुम हमारी रक्षा नहीं करोगे? अवश्य करोगे। ये विश्वास जागता है, तब भगवान के प्रति समर्पण का भाव आता है। तो भगवान का दिव्य कर्म, भगवान का दिव्य जीवन, इसका जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे भीतर साहस का संचार होता है। किस प्रकार का साहस? ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु जो सर्वसमर्थ है, जिन्होंने ऐसी लीलाएं की हैं, उन प्रभु की शरण में मैं गया हूं तो मेरा उद्धार अवश्य होगा, ऐसा विश्वास जब आता है तो हम संसार में बड़ी से बड़ी समस्याओं से जूझने के लिए समर्थ होते हैं। हम उन समस्याओं को जीत लेते हैं, वे हमें पराजित नहीं कर सकती हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, तत्वतः वेत्ति, ये मुख्य बात है। वेत्ति माने जानता है, वेद धातु से है, तो सामान्य तो आप हम सब जानते हैं, हम इसे बहुत से लोगों ने भागवत पढ़ा है या सुना है, सुनते तो सभी हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं को, भगवान राम की लीलाओं को, अन्य अन्य अवतार की लीलाओं को भी जब हम सुनते हैं तो हम जानते तो हैं, किंतु तत्व से हम जानते हैं क्या? तत्वतः जानना क्या है? भगवान श्री राम कृष्ण देव बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति ने दूध देखा, देख लिया उसने कि हाँ एक सफेद वस्तु है। एक व्यक्ति ने दूध को छुआ, उसका स्पर्श किया, और एक व्यक्ति ने दूध को चखा। अब इस पर हम विचार करके देखें, तत्वतः जानना क्या है। जिस व्यक्ति ने दूध को केवल देखा है, वो मठा दूध या पानी में घुली हुई खड़िया मिट्टी, इसका अंतर समझ सकेगा? कभी नहीं समझ सकेगा। कोई भी सफेद घोल, सफेद तरल पदार्थ,
धवल तरत पदार्थ दूध के समान उसको लगे, भाई मैंने देखा दूध तो ऐसे ही सफेद होता है, तो वो व्यक्ति नहीं जान सकता है। जिसने छुआ है थोड़ा बहुत अंतर शायद कर सके कि नहीं भाई ये तो गाढ़ा दिख रहा है इतना, ये शायद मठा हो या और कोई घोल हो, तो छुआ व्यक्ति भी दूध के विषय में जान नहीं सकता है। जानेगा कौन? जिसने दूध चखा है, उसके सामने चार बर्तन में सफेद घोल रखे हैं, चक्कर तुरंत कह देगा कि ये तीन दूध नहीं है और ये दूध है। तत्वतः जानने का अर्थ होता है अनुभव करना। भगवान की इन लीलाओं के चिंतन से